इन चीजों के बारे में बताइए कि ट्रीटमेंट हम पाइल्स, फिशेस और जो फिस्टुला है उनमें सर्जिकल हम कैसे चीजें करते हैं, क्या दवा भी लेनी पड़ती है पेशेंट को? सो जहाँ तक फिशर की हम बात करते हैं, फिशर में आमतौर पे हमने कहा 90% पेशेंट्स तो दवाई से ठीक हो जाते हैं। उसमें कुछ दवाइयाँ अंदर लगानी होती है पेशेंट को जहाँ जख्म है। स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट्स देते हैं, लैक्सेटिव जिसे हम बोलते हैं, ताकि स्टूल सॉफ्ट आए, और कईयों को हम सिड्स बाथ लेने के लिए भी बोलते हैं। और वंस द फिशर इज हील्ड, फिशर तो एक ऐसा मैंने कहा जख्म है, जख्म तो बहुत जल्दी बॉडी हील करती है, फिर हमारा उसका इलाज चलता है फिशर दोबारा ना हो। तो नेक्स्ट 6 to 8 months जो है फिशर के ट्रीटमेंट के बाद बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि दोबारा फिशर ना बने। उस समय में पेशेंट को लैक्सेटिव्स पे कंटिन्यूस रखा जाता है एंड लाइफस्टाइल चेंजेस एक्सप्लेन की जाती हैं। तो फिशर में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं चलती। पाइल्स के जो पेशेंट है, हेमरॉइड्स के जो पेशेंट है, जिनमें हमने फर्स्ट या सेकेंड डिग्री की मैंने बात की, उनमें या हम आउटपेशेंट प्रोसीजर कर सकते हैं, या कई पेशेंट्स में हम कई फ्लेवोनॉइड्स दवाइयाँ आती हैं जो वहाँ के पाइल्स की जो नसें होती हैं उनकी वॉल को थोड़ा इम्प्रूव करती है और पेशेंट को 1-2 साल के आराम मिल जाता है। ये फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री की बात कर रही हूँ मैं। उसके आगे के पाइल्स जहाँ पे हमें सर्जरी ही करनी है, वहाँ पे पेशेंट को सर्जरी से पहले मेरे अपने पेशेंट्स को तो मैं फ्लेवोनॉइड शुरू करती ही करती हूँ, जिससे कि पाइल्स का कंजेशन थोड़ा सा कम हो, वहाँ के खून की नसों की जो वॉल्स है थोड़ी सी थिक हो, ताकि पेशेंट की सर्जरी के समय ब्लीडिंग भी कम हो और टिश्यू भी कम काटना पड़े। इन पेशेंट्स को सर्जरी के बाद, अगर ओपन सर्जरी हुई है, बहुत ही सिंपल सी ड्रेसिंग है जो पेशेंट या उसकी फैमिली घर पे ही चेंज कर सकती है, वो करनी होती है। कुछ सिंपल दर्द की दवाइयाँ खानी होती हैं 5-6 दिन के लिए, एंटीबायोटिक का एक कोर्स लिख के देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लैक्सेटिव्स। ऑलमोस्ट फॉर 6 months इन मरीजों को सर्जरी के बाद भी लैक्सेटिव्स पे रखा जाता है, क्योंकि जो जगह जस्ट अभी हील हुई है वहां पे हम नहीं चाहते कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो, जोर पड़े, सूजन आए। सो लैक्सेटिव 6 months तक चलते हैं। बाकी दवाइयां मोस्टली 1 week के अंदर उनकी सिंपल दवाइयां होती है जो कि बंद हो जाती हैं। फिस्टुला के पेशेंट पे जब हम आते हैं, डिपेंड करता है फिस्टुला के जब हमने ऑपरेशन किया उस वक्त तक वो कितना बड़ा हो चुका था। फिस्टुला लो हो सकता है और हाई हो सकता है। लो यानी कि जो मसल्स हैं स्फिंक्टर के हमारे, उसके नीचे नीचे था फिस्टुला, एक स्टेज पे सर्जरी हो गई। जो हाई फिस्टुला हैं, 8-8 सेंटीमीटर ऊपर तक जाके खुल रहे हैं, इनकी स्टेज सर्जरीज होती हैं। इनको 2-3 बार माइनर प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं बाद में। इनकी दवाइयाँ, इनके ड्रेसिंग्स और इनका जो इलाज है थोड़ा लंबा चल सकता है। इसीलिए मैं फिर आपको अर्ज करूंगी, अगर आप या आपके जानने में किसी को फिस्टुला जैसी दिक्कत आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं, मेक श्योर यू मीट समवन एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड इन टाइम, क्योंकि ट्रीटमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ट्रीटमेंट की जो लंबाई है, वो डिपेंड करती है आपका फिस्टुला कितना ऊंचाई तक पहुंचा हुआ, कितना बड़ा है।